CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN News। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दुर्गापुर के बिनाचिती स्थित सत्यजीत पल्ली में एक किराए के मकान से अगवा हुई बच्ची और दंपति को तांसा थाना और दुर्गापुर ए जोन की पुलिस ने साझा अभियान चलाकर हिरासत में ले लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रविवार को बर्दवान के अनामय अस्पताल से एक बच्ची चोरी हुई थी। खबरों के मुताबिक बर्दवान के सिप्पी गांव की रीमा मलिक ने बर्दवान मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची को जन्म दिया। रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक महिला और उसका पुरुष साथी उससे मिले और कहा कि बच्ची को जन्म देने के कारण सरकार से उसे 6,000 रुपए दिए जाएंगे। ये झांसा देकर दोनों उसे अनामय अस्पताल ले गए। वहां से रीमा की बेटी अगवा हो गई। रविवार रात को पकड़ी गई महिला पिंकी उर्फ मधुमिता बनर्जी बस से दुर्गापुर आ रही थी, उसके साथ एक नवजात बच्ची भी थी। बस के कंडक्टर ने शक होने पर पुलिस को खबर दी। कांगसा थाने की पुलिस ने बस को बासकोपा टोल प्लाजा पर रोककर महिला से पूछताछ की। महिला ने पुलिस को कुछ कागजात दिखाए। पुलिस ने तब तो महिला को जाने दिया, पर सोमवार सुबह 11 बजे बिनाचिती बाजार के सत्यजीत पल्ली में दबिश डालकर बच्ची सहित महिला और पुरुष साथी को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि महिला ने रविवार रात को नकली कागजात दिखाए थे। पुलिस को पूरा विश्वास है कि ये वही अगवा हुई बच्ची है, पर अभी पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। घर की मालकिन मीना देवी ने कहा, करीब एक महीना पहले ये दंपति पति पत्नी के परिचय से यहाँ किराए पर रहने आए थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनको भी रविवार रात को बच्ची को देखकर शक हुआ था, जिस पर उन्हें बताया गया था कि पिंकी ने रविवार दोपहर 12 बजे बच्ची को जन्म दिया था। आज हुआ एक महीना आज को हुआ एक महीना आज एक महीना हुआ कौन कौन रहता था इसका घर में? इसका घर में तो यही दो मियाँ बीबी रहता है। मियाँ बीबी रहता है। हाँ। कोई बाल बच्चा था? आगे से नहीं था, ये पेट में थी। ये बोल रहा है ये बच्चा दूसरा का थाना से बोल रहा है चोरी करके लेकर आया, ऐसे कुछ आप लोगों को मालूम है? नहीं भैया, कल रात में आए थे। वही तो हम बोल रहे हैं कि छुट्टी करा के अली की कैसे अली, तो आप लोग के गाड़ी से रात में गई तो हम अबाक हो गए कि आज को दिन में बच्चा हुआ तो कैसे इसका छुट्टी हो गया। रास्ते से बोलते हैं, अभी भी हम अभी वही बात से बोलते हैं कि कहाँ आई तुम हॉस्पिटल से? अभी तक खाना होना नहीं के हॉस्पिटल में रहने से वो लोग छुट्टी देता है, कागज पत्र देता है लोग, तो तुम छुट्टी करा कर आपका भी मन में शक हो रहा है? हाँ।